वेलकम टू द चैनल आरबी फंटासी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए का जो मैच होने वाला है पोर्टलैंड ट्रेल वर्सेस वर्सेस न्यू ऑरलियंस पोलिकंस के बीच में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ साथ फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7। और उसके साथ साथ अगर इन दोनों टीम की अगर बात करो तो दोनों टीम डिफेंस और अटैक दोनों का भी यहाँ पर स्ट्रांग है। खास करके यहाँ पर डिलीलर जो कि पोर्टलैंड की तरफ से खेलते हैं उनका यहाँ पर अटैक बहुत ज़्यादा, ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा खेलते हैं। बाकी पोर्टलैंड की तरफ से डिलीलर स्टार्ट करेंगे, जिडेंडिया से स्टार्ट करेंगे, सिमाक्लम यहाँ से आउट हो चुके हैं, ए सिमसन बेस्ट बेंच प्लेयर मिल जाएंगे। जब तक यहाँ पर सिमाक्लम नहीं खेलते तो ए सिमसन को तब तक यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मिलेगा। सी एंथनी बेस्ट यहाँ पर बेंच प्लेयर है और सी एंथनी को टाइम अच्छा खासा मिलता है। और उसी के साथ साथ पॉइंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर शूट करते हैं, आरहुड को ट्राई कर सकते हो यहाँ पर जीएल में। बाकी यहाँ पर आर्को ओरस्टोंग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सेंटर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ईकेंटर्स, तो ये प्रोबेबल स्टार्टर जहाँ से सी एंथनी यहाँ पर स्टार्ट नहीं करेंगे, सी एंथनी एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे। और डिजॉन्स यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, डिजॉन्स के रिसेंटली मैचेस एवरेज गए, बाकी जीएल में ट्राई करना बेस्ट पे के यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पोर्टलैंड की तरफ से प्रोबेबल यहाँ पर ये फाइव स्टार्टर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आर्को ओरस्टोंग मस्ट हैव, सी एंथनी बेस्ट पे के यहाँ से मिल जाएंगे। सिमाक्लम आउट हो चुके तो ए सिमसन को यहाँ पर एज अ क्रेडिट से और आप गार्ड से ट्राई कर सकते हो। डिलेलर और जी ट्रेंट भी बेस्ट पिक है, जेल में ट्राई करना। सेलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर टीम मैनेजमेंट करने के चक्कर में यहाँ पर जी ट्रेंट के लिए यहाँ पर स्पॉट अवेलेबल नहीं होते। बाकी यहाँ पर जेल में आप ट्राई कर सकते हो। न्यू ऑरलियंस की अगर इनकी तरफ से बात करो तो येल बॉल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे ब्लेडसन, टाइम अच्छा खासा मिलता है। जेरेडिक्स यहाँ पर ये इंजरी की वजह से आउट है, बाकी यहाँ से बिनग्राम आपको स्टार्ट करते हुए देखेंगे। जेड विलियम्स बेस्ट पीपी चॉइस आपको यहाँ से मिल जाएंगे और सेंटर से यस आडम यहाँ पर आपको एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। तो ये फाइव प्रोबेबल स्टार्टर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे न्यू ऑरलियंस की तरफ से। अगर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखेंगे तो न्यू ऑरलियंस का तो येल बॉल 13.5 क्रेडिट के प्लेयर है, ऑफेंसिव खेलते बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। केलेवी जेआर एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, 5.5 क्रेडिट के प्लेयर है, एज ए क्रेडिट सेवर आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर लास्ट मैच का अगर न्यू ऑरलियंस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो येल बॉल खेले थे यहाँ पर 30 मिनट, 20.8 रिबाउंड, उसके साथ साथ 5 असिस्ट और 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था तो येल बॉल का परफॉर्मेंस 3.4 रिबाउंड, 6 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 1 स्टील इन्होंने यहाँ पर दिए थे। और उसके साथ साथ केलेवी जेआर 5.5 क्रेडिट के प्लेयर है, एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे। लास्ट मैच टाइम अच्छा खासा मिला था, 13.3 रिबाउंड, 4 असिस्ट, उसके साथ साथ 2 स्टील इन्होंने दिए थे। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी टाइम बेस्ट मिला था, 5.3 रिबाउंड और 1 स्टील इन्होंने यहाँ पर दिया था। तो क्रेडिट से और मिल जाएंगे, येल बॉल एज ए स्टार्टर यहाँ से खेलेंगे। इबेडसन 11 क्रेडिट के प्लेयर है, एज ए स्टार्टर खेलेंगे। इबेडसन का लास्ट मैच 7.2 रिबाउंड 8 असिस्ट एवरेज मैच रहा था। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर फ्लॉप गए थे, वो एक रिबाउंड किया था, उसके साथ साथ इन्होंने 3 असिस्ट किए थे। बाकी ट्राई कर सकते हो जेल के लिए जेरेडिक्स एज ए बेंच, जेरेडिक्स जो कि यहाँ से आउट हो चुके हैं तो जेरेडिक्स यहाँ से खेलने वाले नहीं। फॉरवर्ड से बिनग्राम स्टार्ट करेंगे, जे हार्ट एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, जे हार्ट को बेस्ट टाइम मिलता है। उसके साथ साथ यन अलेक्जेंडर यहाँ पर आपको फॉरवर्ड से एज अ बेंच प्लेयर खेलने को दिखेंगे। यन अलेक्जेंडर को अगर टाइम मिलता है तो बेस्ट पिक ये भी है। बाकी यहाँ पर पूरा डिपेंड रहेगा जे हार्ट को, अगर जे हार्ट यहाँ पर 25+ मिनट खेलते हैं तो यहाँ पर यन अलेक्जेंडर को अच्छा खासा टाइम नहीं मिलेगा। बाकी बिनग्राम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, 18 क्रेडिट के प्लेयर है। लास्ट मैच बिनग्राम का एज अ स्टार्टर करते हुए 23.4 रिबाउंड 5 असिस्ट उसके साथ साथ जे हार्ट को मिले थे 27 मिनट, उसमें उन्होंने दिए थे 13.5 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 स्टील। और उसके साथ साथ अलेक्जेंडर का अगर देखेंगे तो यहाँ पर इनग्राम को मिले थे 27 मिनट, तो अलेक्जेंडर को मिले थे यहाँ पर 6 मिनट। जो सेकंड मैच रहा था तो सेकंड मैच में यहाँ पर अलेक्जेंडर को यहाँ पर टाइम अच्छा खासा मिला था। उसी के साथ साथ अगर बात करूँगा यहाँ पर जेहार्ड, तो जेहार्ड को कम यहाँ पर टाइम मिला था। जेड विलियम्स जो कि इनको भी यहाँ पर टाइम कम मिला था, इसलिए यहाँ पर यन अलेक्जेंडर को अच्छा खासा टाइम मिला था। और एल अलेक्जेंडर का परफॉर्मेंस 15.8 रिबाउंड उसी के साथ साथ 4 असिस्ट उन्होंने लास्ट मैच में यहाँ पर दिए थे। तो एल अलेक्जेंडर टाइम पूरा डिपेंड है यहाँ पर जेहार्ड उसी के साथ साथ बी इनग्राम पर, उसी के साथ साथ जेड विलियम्स को कितना टाइम मिलता है उस पर यहाँ पर डिपेंड है, उस पर यहाँ पर यन अलेक्जेंडर को यहाँ पर टाइम मिलेगा। अगर बी इनग्राम जेहार्ड उसी के साथ साथ जेड विलियम्स अच्छा खासा टाइम खेल जाते हैं तो यहाँ पर येल अलेक्जेंडर को आपको लेस देन यहाँ पर 15 मिनट यहाँ से मिलेंगे। बाकी ट्राई कर सकते हो जीएल के लिए, जेड विलियम्स स्टार्ट करेंगे, बेस्ट पीपी चॉइस आपको मिल जाएंगे। रिसेंटली मैचेस इनके लिए इतने बढ़िया नहीं रहे, लास्ट मैच 27.2 रिबाउंड 5 असिस्ट जो कि इस टीम की तरफ से ऑफेंसिव खेलेंगे। सेकेंड मैच यहाँ पर परफॉर्मेंस लो रहा था, यहाँ पर भी टाइम कम मिला था, 23.6 रिबाउंड उसी के साथ साथ 1 ब्लॉक इन्होंने किया था। टीम जो है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट से लीड कर रही थी इसलिए यहाँ पर इनको कम टाइम मिला था। और जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी टीम जो है तो बहुत ज़्यादा पॉइंट से लीड कर रही थी, तो यहाँ पर भी इनको यहाँ पर इतना बेटर टाइम नहीं मिला था। बाकी यहाँ पर ये प्लेयर जो है तो एवरेज यहाँ पर 33 मिनट खेलता है और यहाँ पर बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ ऑफेंसिव खेलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पिक और उसके साथ साथ बेस्ट पिक चॉइस यस आडम स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ जे हाइस यहाँ पर एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, जे हाइस पर ध्यान रखना, बेंच से यहाँ पर सेंटर से बेस्ट परफॉर्मेंस रिसेंटली
पिछले मैचेस में यहाँ पर हाई स्का है। यह साढ़े मैच स्टार्टर करते हुए 20 मिनट 9.8 रिबाउंड उसी के साथ साथ 2 असिस्ट 2 ब्लॉक इन्होंने दिए थे। जे हाई लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 17.3 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक और 1 स्टील तो बेस्ट यहाँ पर तगड़ा परफॉर्मेंस आया था। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी टाइम अच्छा खासा मिला था 13.6 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक इन्होंने दिए थे। अडम यहाँ पर एज ए स्टार्टर करते हुए 10.17 रिबाउंड उसी के साथ साथ 2 असिस्ट। जो थर्ड मैच रहा था थर्ड मैच में भी जे हाइस को टाइम यहाँ पर कम मिला था लेकिन पॉइंट दे सकते 11.1 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 सिक्स 7 वन ब्लॉक इन्होंने दिया था। तो बेस्ट पिक मिल जाएंगे 5 क्रेडिट के प्लेयर है एज ए क्रेडिट से और आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पोर्टलैंड की तरफ से डिलीलर स्टार्ट करेंगे जी ट्रेंड स्टार्ट करेंगे डिलीलर बेस्ट यहाँ पर एसपी चॉइस जी ट्रेंड को स्टार्ट करना ट्राई करना है यहाँ पर जीएल में एज अ स्टार्टर खेलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर टीम मैनेज करने के चक्कर में यहाँ पर जी ट्रेन के लिए यहाँ पर कोई स्पॉट अवेलेबल नहीं होता। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जी ट्रेन का उसी के साथ साथ लीलर बेस्ट एसपी चॉइस 38.7 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 ब्लॉक। उसी के साथ साथ जो सेकंड मैच रहा था डिलेलर का बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आता 24.4 रिबाउंड 10 असिस्ट सबसे ज़्यादा पॉइंट देती इस टीम की तरफ से। और जी ट्रेंड का यहाँ पर भी परफॉर्मेंस आया था 4 स्टील के साथ 14 पॉइंट उसी के साथ साथ 1 रिबाउंड। तो बेस्ट पिक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जी ट्रेंड जीएल में ट्राई करना हो सके तो स्मॉल लीग में भी ट्राई करना लेकिन इनके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। सिमैकलम यहाँ से आउट हो चुके हैं ए सिमसन एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे टाइम अच्छा खासा मिलेगा ए सिमसन को भी। अगर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखेंगे ए सिमसन को तो टाइम मिला था 11 मिनट उसी के साथ साथ 5 रिबाउंड 3 असिस्ट 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर मिले थे 15 मिनट तो क्रेडिट के हिसाब से अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। सेकंड मैच में भी यहाँ पर 15 मिनट खेलकर 8.3 रिबाउंड और 3 असिस्ट उन्होंने यहाँ से दिए थे। तो 6 क्रेडिट के प्लेयर है क्रेडिट से हो रहे ट्राई कर सकते हो। बाकी सी एंथनी यहाँ से आपको बेस्ट पिक मिल जाएंगे जो कि एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे और सबसे बेस्ट यहाँ पर इस टीम की तरफ से बेंच प्लेयर है जिनके यहाँ पर स्ट्रेंथ है ऑफेंसिव खेलते हैं और पॉइंट बहुत ज़्यादा शूट करते हैं 16.4 रिबाउंड 5 असिस्ट 2 सिक्स 7 7 1 ब्लॉक लास्ट मैच में। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस आया था 24.2 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 ब्लॉक और 2 स्टील। तो कोई इनको यहाँ पर ड्रॉप करने की यहाँ पर सोचेंगे भी नहीं रिसेंटली मैचेस का रिकॉर्ड देखकर। आरवुड बैन से खेलेंगे ट्राई कर सकते हो। आर कोलिंस्टन स्टार्ट करेंगे डी जॉनसन को यहाँ पर स्टार्ट करने जेल में जे कोलिंस ऐसे आउट हो चुके डी जॉन्स जो कि यहाँ पर फॉरवर्ड से खेलेंगे। लास्ट मैच का डी जॉन्स का परफॉर्मेंस एवरेज रहा था मिले थे 20 मिनट लेकिन यहाँ पर 3 रिबाउंड और 1 स्टील दिया था। और कोरिंग स्टोन सबसे बेस्ट टाइम मिला था 19.7 रिबाउंड 5 असिस्ट 1 ब्लॉक 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था और कोरिंग स्टोन को टाइम अच्छा खासा मिला था लेकिन परफॉर्मेंस एवरेज रहा था। बाकी डी जॉन्स का परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट आया था 11.2 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 सिक्स 7 7 1 ब्लॉक इन्होंने यहाँ से किया था। सेंटर से एक एंट्रेस मिल जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 100% अपोनेंट के पास रहने वाले जो नोरकिस यहाँ से आउट हो चुके। बाकी एक एंट्रेस जो कि सेंटर से खेलेंगे टाइम अच्छा खासा मिलेगा। एक एंट्रेस लास्ट मैच यहाँ पर टाइम कम मिला था 26 मिनट खेलकर 4.11 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 सिक्स 7 7 1 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर बेस्ट टाइम मिला था और हो सकता है आज के मैच में अच्छा खासा टाइम मिले क्योंकि लास्ट मैच में इनको टाइम नहीं मिला था और सेकंड मैच में अच्छा खासा टाइम मिला था। और उसी के साथ साथ अगर थर्ड मैच में भी देखेंगे तो टाइम यहाँ पर भी थोड़ा सा कम मिला था तो हो सकता है आज के मैच में इनको बेस्ट टाइम मिले। उसी के साथ साथ ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास आपके रहने वाले 12.5 क्रेडिट के प्लेयर है और जितने यहाँ पर क्रेडिट का इशू होने वाले नहीं तो सबके पास यहाँ पर रहने वाले। बाकी ड्रीम इलेवन टीम की बात करूँ तो डिलीलर सबके पास होने वाला है यल बॉल या फिर जी ट्रेंट दोनों में से किसी एक को यहाँ से पिक कर सकते हो। बाकी जी ट्रेंट को यहाँ से पिक कर ले तो यहाँ से आपके पास इब्लेडसन आएंगे उसके साथ साथ यहाँ पर सी एंथनी मस्ट हैव जो कि यहाँ पर एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ से देते थे। बाकी जेड विल्मस आर कोरिंग स्टोंग मैसा 20 क्रेडिट में यहाँ पर एक एंट्रेस आपके पास आ जाएंगे उसके साथ साथ जैनिस ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम विथ यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क एब्लेडसन और जी ट्रेंड के साथ। अगर आपको यहाँ पर सेफ जाना है जो यूनिवर्सल टीम है यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से तो सिंपली यहाँ पर एब्लेडसन को ड्रॉप करके ए सिमसन को पिक कर लीजिए और येल बॉल से यहाँ से पिक कर लीजिए। बाकी ए सिमसन को यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में एवरेज 10 मिनट मिले तो यहाँ पर 10 मिनट में यहाँ पर इतने अच्छे खासे पॉइंट तो आपको ये देने वाले नहीं। बाकी यहाँ से अगर यहाँ पर बात करो तो जी ट्रेंड जो कि स्टार्ट करेंगे रिसेंटली मैचेस इनके लिए बढ़िया गए उसके साथ साथ एब्लेडसन यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिनके भी रिसेंटली मैचेस अच्छे खासे गए तो दोनों को यहाँ से पिक कर सकते हो। ये मेरी जो ड्रीम इलेवन टीम है ऑलमोस्ट फाइनल ड्रीम इलेवन टीम है और जो भी चेंजेस हो अगर कोई चेंजेस हुए कोई प्लेयर यहाँ पर आउट होता है बाकी इंजरी की वजह से तो फाइनल अपडेट और फाइनल लाइनअप के आने के बाद आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी यहाँ पर एसपी डिलीलर और पीपी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जेड विलियमसन। अगर यहाँ पर आपको ट्राई करना है तो यहाँ पर एक इंटरेस को भी ट्राई कर सकते हो जिनको आज के मैच में अच्छा खासा टाइम आप खेलते हुए दिख सकते। बाकी यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे टेलीग्राम पर दिए जाएंगे। अगर कोई चेंजेस नहीं होते तो इसी टीम के साथ में फाइनल चला जाऊँगा ये टीम सेव करके रखना। और आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा उसके साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो एब्लेडसन और जी ट्रेन के साथ आप कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट ये मेरी फाइनल टीम है तो मिलते फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम चैनल पर।